हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। प्रोजेक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। हमने पीएनसी में थ्योरम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देख लिया, अब थ्योरम फोर्थ पे चलते हैं। थ्योरम फोर्थ बहुत आसान है, प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अपन को क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी केवल सिलेक्शन करना है ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी परपेंडिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अगर ये कंडीशन अपने पास हो तो अपने को क्या करना है, जो अपन एन सी आर करते थे उसकी जगह अपने को क्या करना है, एन माइनस पी एंड आर माइनस पी। ऐसा क्यों करना है ये अपन इस एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना? तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रखा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेस सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 15, कितने में से, 15 में से, तो n इज इक्वल टू 15 अभी फिलहाल। प्लेयर व्हेन महेंद्र सिंह धोनी एंड युवराज सिंह ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब धोनी एंड युवराज को तो ऑलवेज अपने को टीम में रखना ही रखना है। कहने का सेंस क्या हुआ, कहने का एक सेंस ये हुआ कि 11 प्लेयर की जो टीम थी उसमें से 2 प्लेयर तो परमानेंट है, कौन, धोनी एंड युवराज को तो अपने को परमानेंटली रखना ही रखना है। इसका मतलब ये 2 प्लेयर तो एक्सक्लूड हो गए, अब अपने को टीम कितने लोगों की सेलेक्ट करनी है, 9 पीपल की। तो ये 9 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है अपन को, क्योंकि 2 प्लेयर क्या हो गए, पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं। अब 9 प्लेयर की टीम कहां से सेलेक्ट करेंगे, अब 15 में से भी तो सोचो 2 प्लेयर गए, एक तो धोनी गया एक युवराज गया, तो अपने पास प्लेयर कितने बचे, 13। कहने का मतलब अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 13 प्लेयर में से अपन को 9 प्लेयर सेलेक्ट करने, क्यों, क्योंकि युवराज एंड धोनी पहले से ही फाइनल है कि ये तो सिलेक्शन हो ही चुका, तो 15 में से भी 2 लेस हो गए, 11 में से 2 लेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां 13 प्लेयर बचे, यहां क्या बचे, 9 प्लेयर, धोनी एंड युवराज क्या परमानेंट है, तो अपन क्या लिखेंगे, 13C9, क्या लिखेंगे, 13C9। प्रैक्टिकली ये सिलेक्शन के मेथड होंगे, 13C9 लिखेंगे तो रियल में हमने क्या किया, 15 माइनस 2 सी एंड 11 माइनस 2, क्योंकि अपने क्या कहा था, धोनी एंड युवराज ऑलवेज इंक्लूडेड, तो 15 माइनस 2 सी 11 माइनस 2, तो यही था एन माइनस पी सी आर माइनस पी। नोट डाउन करें फ्रेंड्स, थ्योरम 5 पे कंसंट्रेट करें, क्या बोल रही है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मतलब पी पर्टिकुलर थिंग्स को अपन को कभी लेना ही नहीं है, तो सिंपल से बात है, पी पर्टिकुलर थिंग्स को लेना ही नहीं है, तो अपने पास अब लेने वाली चीजें कितनी हुई, किन में से लेना है, सपोज आपके पास एन थी, एंड सपोज क्या है, एन ही दे रखा है आपको, एन डिफरेंट थिंग्स थी, पी को कभी नहीं लेना, मतलब एन माइनस पी में से अपन को सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन किस में से करोगे, एन माइनस पी से, तो एन माइनस पी से करोगे तो एन माइनस पी सी आर, बहुत आसान। एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 6 बुक्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 6 बुक्स कैन बी मेड From 11 different books, if 2 particular books are never selected, कह रहा है कि 2 particular book को अपन कभी लेना ही नहीं है, कभी select करना ही नहीं है, तो जिन books को select ही नहीं करना उनको निकाल के पहले side में रख दो, तो 11 में से 2 minus करके इनको 2 को अपन ने side में रख दिया, 2 books को हटाओ, तो अब books कितनी बची, 9, मतलब जो 2 books लेनी नहीं है तो उनको निकाल के side में रखो, तो books बची 9, अब 9 में से कितने selection करने हैं, 6, मतलब 9C6, कम खत्म। 9C6 को कैसे लिखोगे, 11 माइनस 2 C6, तो यही तो लिखा हुआ है, N माइनस P CR, तो ये तो बहुत ही आसान थी। तो प्रॉपर्टी फोर्थ एंड प्रॉपर्टी फिफ्थ तो बहुत ही आसान थी, सिंपल थी, समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी थी अपनी थ्योरम 5। तो फ्रेंड्स, ये अपना यहाँ थ्योरम सारी कंप्लीट हुई, तो इसको आप नोट डाउन करें, थोड़ा सा टॉपिक और बताते हैं बस। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपन, क्या क्या है। मैंने कहा NC0 की वैल्यू क्या होती है, आपके सामने लिखना है आपको। NC0 का मतलब टोटल डिफरेंट थिंग्स कितनी है, N सेलेक्ट कितनी करनी है, 0। तो जब डिफरेंट थिंग्स में से 0 थिंग्स सेलेक्ट करनी है, तो सोचो आप कितने तरीके होंगे इसके, मतलब मैं आपको कहूँ कि 5 पर्सन आपके पास है, उसमें से 0 सेलेक्ट करने हैं, तो उसके कितने तरीके होंगे, केवल एक, तो आप क्या लिखोगे, 1। NC0 मतलब कोई सेलेक्ट नहीं करे, तो ये तरीके कितने हो सकते हैं, 1, तो NC0 क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़े NCN। NCN से क्या मतलब हुआ कि आपके पास 5 पर्सन है, 5 में से 5 सेलेक्ट कर ले पूरे के पूरे ही, कितने मेथड हो सकते हैं, 1, तो आप NCN की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, अब
वैसे करें तो फॉर्मूले से तो एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां पे क्या करना है, जीरो आर की जगह जीरो कर दें आप, तो आपके पास क्या रहेगा एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, आर की जगह जीरो हो गया तो जीरो फैक्टोरियल, आर जीरो हो गया तो एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल भी वन होता है, तो वैसे वन। तो अगर पीएमसी की फॉर्म में देखें, फॉर्मेट में देखें, तो यहां देखें एन सी जीरो मतलब एन में से जीरो सेलेक्ट करने के कितने मेथड हो सकते हैं, वन। वैसे देखा जाए तो जीरो पुट करके वैसे फॉर्मूले से देख ले डायरेक्ट, यहां एन सी एन इज इक्वल टू वन, चाहे तो इस फॉर्मूले से देख ले एन फैक्टोरियल, यहां एन फैक्टोरियल, यहां जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा एन माइनस एन, तो ये फिर वन हो गया। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं एन सी एन, वैसे देखें तो सोचें कि एन डिफरेंट थिंग में से एन सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे, वन, तो ये वन। आगे चले एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है एन सी आर, ऐसा क्यों होता है ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा एन फैक्टोरियल, आर क्या है एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड क्या होता है एन माइनस आर होता है, तो एन माइनस आर क्या है यहां पे एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये हुआ फ्रेंड्स अपना। एंड यहां पे क्या होगा एन सी आर, एन सी आर होगा एन फैक्टोरियल, आर क्या होगा आर फैक्टोरियल अपॉन ये क्या होगा एन माइनस आर, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। फ्रेंड्स यहां देखें एन से एन कैंसिल आउट, आर फैक्टोरियल बचा, तो यहां प्लस का आर फैक्टोरियल, यहां पे आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन एन, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो फ्रेंड्स अपन का क्लियर हो गया किससे, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से अपन इसका प्रूफ देख लिया कि एन सी आर एन माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है एन सी आर। एंड इससे एक चीज और देखें आप, क्या इसको बाद में बता देंगे, एक चीज और देखें कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई आपको अगर गिवन है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई गिवन है, तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वाई, ऊपर वाले फॉर्मूले से एन सी एक्स, एंड इसको क्या लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर, तो एन सी वाई इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वाई। तो यहां से दो रिजल्ट निकल के आते हैं, या तो ये दोनों इक्वल हो एक्स इज इक्वल टू वाई हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा और क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो यहां से देखें आप x इज इक्वल टू एन माइनस वाई, वाई इधर आया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, तो इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो x इज इक्वल टू वाई हो जाए, x इज इक्वल टू वाई होगा तो वैसे दोनों इक्वेट कर गए, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स n होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा n होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर, इस पर मैंने काफी लंबा चौड़ा आपको भाषण भी दिया था, एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर, ये हो गया। उसके बाद अगर चाहे तो फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं एन फैक्टोरियल, एन पी आर क्या होता है एन पी आर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो एन पी आर होता है, और एन सी आर क्या होता है एन सी आर होता है आर फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई में है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया r से r, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने विद प्रूफ आपको सारी चीजें बता दी, अब इनको आप याद करें रिमेंबर करें, फिर अपन अब पीएनसी की प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एट प्रोजेक्ट एजुकेशन।